दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले और क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की लव स्टोरी भी काफी ज्यादा स्पेशल है। सचिन ने अंजलि को हवाई अड्डे पर सिर्फ एक नजर देखा और अपना दिल दे बैठे। दोस्तों, क्या आप इस बेहतरीन प्रेम कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, सन 1989 में 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सचिन तेंदुलकर ने जल्द ही दुनिया में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। महज 17 साल की उम्र में सन 1990 में सचिन तेंदुलकर की अंजलि मेहता से पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई। सचिन उस समय इंग्लैंड के दौरे से अपना पहला टेस्ट शतक लगाकर वापिस भारत लौट रहे थे। उस वक्त अंजलि नहीं जानती थी कि सचिन कौन है, लेकिन उन्होंने सचिन का नाम काफी सुना था। एयरपोर्ट पर किसी ने सचिन को पुकारा तो अंजलि भी उन्हें देखकर सचिन सचिन चिल्लाने लगी और सचिन ने जब अंजलि की तरफ देखा तो दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा गए और फिर तेंदुलकर वहां से चले गए। इसके बाद ये दोनों एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले, जहाँ से सचिन और अंजलि के बीच ज्यादा बातचीत की शुरुआत हुई। उस वक्त सचिन अपने करियर के शुरुआती दौर में थे और अंजलि मेडिकल प्रैक्टिस कर रही थी। अंजलि एक अच्छी छात्रा थी जो कि पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा मन लगाती थी, लिहाजा उन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि सचिन से मिलने के बाद अंजलि ने क्रिकेट के बारे में पढ़ना और समझना शुरू किया, लेकिन सचिन उनसे क्रिकेट के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। सचिन और अंजलि ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन सचिन अपने क्रिकेट के व्यस्त शेड्यूल और अंजलि भी अपने मेडिकल करियर में व्यस्त रहती थी, इसलिए दोनों ज्यादा घूम फिर नहीं पाते थे। अंजलि ने एक किस्सा सुनाया था कि एक बार सचिन अपने चेहरे पर नकली दाढ़ी और गॉगल्स लगाकर मूवी देखने गए, लेकिन फिर भी लोगों ने उन्हें पहचान लिया और फिर आधी मूवी छोड़कर वापिस आना पड़ा। इसके बाद 24 मई 1995 में सचिन और अंजलि ने शादी कर ली। अंजलि ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सचिन के अलावा वह किसी भी इंसान को नहीं जानती थी, इसलिए वो उन्हें सबसे अच्छे तरीके से समझती थी, फिर चाहे वो उनके बॉयफ्रेंड हो या पति। 12 अक्टूबर 1997 में सचिन और अंजलि के घर एक बेबी गर्ल का जन्म हुआ, जिसका नाम सारा तेंदुलकर है, और 2 साल बाद 24 सितंबर 1999 को उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर का जन्म हुआ। दोस्तों, अंजलि उम्र में सचिन तेंदुलकर से 6 साल बड़ी है, लेकिन इस उम्र के अंतर की वजह से उनके रिलेशनशिप में कभी कोई खटास नहीं आई। सचिन हमेशा अपने करियर की सफलता का श्रेय अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर को देते हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इस बात का जिक्र किया है कि कैसे अंजलि ने सचिन के उतार चढ़ाव में उनका साथ दिया है। दोस्तों, यदि आप सचिन तेंदुलकर को एक नेक दिल इंसान और एक अच्छा क्रिकेटर मानते हैं तो सचिन के सम्मान के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और सचिन की जिंदगी से जुड़ी अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।